जी हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि फंक्शन हॉल्स ले लेते हैं। फंक्शन हॉल्स में जो है एक दिन में 5 पारे 10 पारे पढ़ाते। और दूसरी चीज़, और बाज़ मस्जिद मसाजिद में ऐसा होता है कि एक दिन में 3 पारे पढ़ा के 10 दिन के अंदर 10 ख़त्म कर देते। तो कैसे शिक्षकीय करना, कैसे है शिक्षकीय पूछना था मेरे। जी, शिक्षा बात बताइए। ज्यादा पारे पढ़ना ये तो बेहतर है, यानी चूंकि जो तरावी होती है, जो क्याम होता है, तो क्याम का असल ताल्लुक कुरान से है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान ज्यादा पढ़ा जाए। लेकिन ये खराब बात है कि जो है फिर 5 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में उसको खत्म करके फिर तरावी खत्म मान ली जाती है। इसका जो मनफी पहलू है वो ये है कि 3 दिन में लोग असल में गोया ये समझते हैं कि कुरान खत्म हो गया तो क्याम खत्म हो गया, तो 3 दिन में कुरान खत्म हो गया तो गोया हमारा क्याम हो गया, या 10 दिन में कुरान खत्म हो गया तो गोया हमारा क्याम हो गया, या और क्याम की जरूरत नहीं रही। तो ये मनफी पहलू बहुत खराब है, एक मनफी पहलू। दूसरा मनफी पहलू ये है, यानी नेगेटिव बात इसमें यह है कि जो हजरात 3 या 4 या 5 पारे एक रात के क्याम में पढ़ते हैं वो उतने टाइम में नहीं पढ़ते जितने टाइम में पढ़ना चाहिए, यानी कि उतना पढ़ने के लिए क्याम लंबा करना पड़ेगा, लेकिन ये हजरात क्याम लंबा नहीं करते, क्याम तो शॉर्ट ही में रखते हैं, मगर कुरान पाक को इस बुरे तरीके से पढ़ते हैं कि बस यानी हाई स्पीड, जो जायज नहीं है जैसा कुरान पढ़ना। तो ये चीजें इसमें गलतियां हैं, तो इन गलतियों की वजह से ये चीज दुरुस्त नहीं है। अगर ये गलतियां ना हो तो फिर रमजानुल मुबारक में क्याम में 3 कुरान खत्म हो, 4 कुरान खत्म हो, 5 कुरान खत्म हो, लाबास भी कोई अर्ज की बात नहीं बल्कि बेहतरीन बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वाकई ऐसा नहीं है, इसलिए जो वाकई है उसकी रोशनी में कहा जाएगा कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।